देखिए जरा, एक्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर दिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच ए आई बी जे सी के इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वी कैन से वन ऑफ द डी आर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना। और इसी के वेक्टर फॉर्मेट में क्या बताया, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये क्या रिप्रेजेंट कर दिए, सेम इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच एन कैप इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। एंड एन कैप यूनिट वेक्टर है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन प्लेन कितना है, डी, ठीक है। अब इसे ढंग से समझने की कोशिश करना है, किससे समझाया जाए, जल्दी समझना है। देखिए यार, मान लो इस इक्वेशन की हमें प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, यहां पर ओरिजिन है हमारा, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें इक्वेशन निकालने का टारगेट क्या है, प्लेन में लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट का क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, ये तो लिखना है। अगर ये ओरिजिन है तो किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है या फिर उससे रिलेटेड रिलेशन निकालना है, बात समझ में आई ना ये। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे ये पॉइंट्स चेंज होंगे, मान लो ये P1 है, ये P2 आ गया, ये ऐसे पॉइंट्स चेंज होते जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स चेंज होते जा रहे हैं, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए, मान लो ये दूसरा पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो हर पोजीशन के लिए क्या चीज रिमेन सेम है, मतलब इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो क्या है प्लेन पे, डी, ये तो कॉन्स्टेंट है, बात समझ में आ रही है ना, ये बात समझ में आई है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर लेट एन वेक्टर है, एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ध्यान से देखना, अगर हम इसका ये इस एंगल को थीटा माने, इसे आर वेक्टर मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि पी की हर पोजीशन के लिए मॉड ऑफ आर कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, मॉड ऑफ आर कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, डी, बात समझ में आई ना। जैसे ये हमारे पास क्या है, ओपी वेक्टर, और ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के इक्वल आ रहा है मॉड ऑफ ओपी कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब पी चेंज होता जाए, थीटा चेंज होगा, लेकिन ये रिमेन्स सेम, बात समझ में आ रही है। अब इसको प्रैक्टिकली ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, कोन होता है ना, कोन, कोन को, कोन आइसक्रीम को सोचिए और ऐसे रखिए, तो उसकी जो ऊपर का सर्कुलर है, सर्किल है, उसकी रेडियस बढ़ाएं और बढ़ाते जाएं, तो उससे क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाने से अलग अलग पॉइंट्स ऑब्टेंड होंगे, तो कोन की हाइट चेंज नहीं होगी, बात समझ में आई ना ये। तो यहां से देखिए कि ये ओपी है, ओपी कॉस थीटा, तो ये भी प्लेन की इक्वेशन है, फॉर ईच पोजिशन ऑफ पॉइंट पी लाइंग इन अ प्लेन द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी अलोंग नॉर्मल टू प्लेन क्या है, सेम, दैट इज हाइट ऑफ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, बात समझ में आ गई ना, बस इतना ही समझना है, इसको ढंग से नोट कर लो, सही तरह से नोट करो इसे, बात समझ आई है। जैसे ये प्लेन है, ढंग से देखिए, ये मान लो ये प्लेन है, ये हाइट तो रिमेन सेम है, अब यहां से अगर हम ऐसे बनाएं, ये इनको चेंज करते जाएं, थीटा चेंज होगा, लेकिन हाइट कैसे रहेगी, मॉड ऑफ आर कॉस थीटा सेम,
समझ आ गया, नोट कर लिया ये? अब ध्यान से देखना है, इसी से वो दोनों इक्वेशन आई हैं। थीटा किस किसके बीच के एंगल है? एन वेक्टर एंड आर वेक्टर, लिख लो। थीटा इज द वेरिएबल एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन एन वेक्टर एंड आर वेक्टर एज पोजिशन ऑफ पॉइंट पी वेराइज ऑन प्लेन, एज पोजिशन ऑफ पॉइंट पी वेराइज ऑन प्लेन थीटा चेंज बट मोड ऑफ आर कॉस थीटा इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? अब बस मैनिपुलेशन, और कुछ नहीं बचा है। आर मोड ऑफ आर कॉस थीटा इक्वल टू डी आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी आर डॉट एन कैप कितना आएगा? मोड ऑफ आर मोड ऑफ एन कॉस थीटा, तो मोड ऑफ एन कितना है? वन। ये बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आई कि नहीं? अब मैंने बताया था कि अगर प्लेन में कोई पॉइंट है, आर वेक्टर है, तो उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे? आर वेक्टर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? रिप्लेस कर सकते हैं ना। एन वेक्टर हमारे पास क्या है? मैंने क्या माना है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर डॉट एन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, लेकिन एन कैप चाहिए, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू डी। ठीक है, तो इसको एक अनदर कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच ए कॉमा बी कॉमा सी वन ऑफ द डी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ आ गया? ये ढंग से समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है ना।